ऊना लुपाड़ा में हुए अंधे कत्ल का पुलिस ने खुलासा किया है। फरियादी की पत्नी और छोटे भाई ने मिलकर रची थी हत्या की साजिश। दिनांक 13 दिसंबर को सारंगी पुलिस चौकी पर फरियादी के रूप में सोनू निवासी उनालूपाड़ा ने पुलिस को सूचना दी थी कि उसका भाई दिनेश रात्रि में करीब 9 बजे घर से खेत पर सिंचाई के लिए गया था, जो सुबह तक नहीं लौटा। जब गांव वालों ने तलाश की तो भाई दिनेश की टोपी खेत में बनी उसके स्वयं के कुएं में तैरती हुई दिखाई दी, जिस पर फरियादी ने पुलिस को आशंका जताई है कि उसके भाई की मौत कुएं में डूबने से हुई है। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव कुएं से बरामद किया और मर कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया। अंधा कत्ल होने से पुलिस के द्वारा बारीकी से जांच की गई, जिसमें पुलिस को मृतक के छोटे भाई पर शंका हुई और जिस पर पुलिस के द्वारा मृतक के छोटे भाई से कड़ी पूछताछ की गई, जिसमें उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और पुलिस को बताया कि उसके अवैध संबंध अपने बड़े भाई की पत्नी के साथ थे और जिसके चलते मृतक की पत्नी व मृतक के छोटे भाई ने मिलकर हत्या की साजिश रची और दिनेश की हत्या कर दी। पुलिस के द्वारा मामले में सोनू पिता केसु बंजारा और सुमित्रा पति दिनेश बंजारा निवासी उनालूपाड़ा को गिरफ्तार कर लिया गया और आरोपी की निशानदेही पर घटना से संबंधित सामग्री को भी जब्त किया गया। 13 दिसंबर के दिन एक लाश मिली थी उनालूपाड़ा कसारबड़ी के पास में सारंगी चौकी में, जिसमें जो फरियादी है सोनू पिता केसु बंजारा, उसने बताया कि उसके भाई दिनेश पिता केसु बंजारा रात को 9 बजे पानी डालने के उद्देश्य से खेत पर गया था और अभी तक वापस नहीं लौटा। उसकी लाश कुएं में मिली है। ये आशंका जताई गई कि कुएं में डूबने से उसकी मृत्यु हुई है। जब हमारी पूरी टीम के साथ में FSL अधिकारी, फिंगरप्रिंट और डॉग स्क्वाड वहाँ पे पहुँचा, घटनास्थल का बारीकी से मुआयना किया गया, कुएं में से लाश निकाली गई। जब लाश निकाली गई तो हमें उसमें चोट के निशान दिखे, उससे हम लोगों को लगा कि ये हत्या हो सकती है, पर अभी तक परिस्थिति हमें क्लियर नहीं हुई थी, इसलिए हमने उसका PM करवाया। शॉर्ट PM रिपोर्ट से हमें पता चला कि ये मारपीट के ही निशान है और होमिसाइडल इन नेचर मृत्यु का कारण है। उसी को हमने मानते हुए 302 का अपराध कायम करा और फिर हमारी पूरी पुलिस टीम इसमें सबूत जुटाने में लग गई। उसमें फिर हमें ये पता चला कि जो फरियादी सोनू पिता केसु बंजारा है, वो लगातार पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। कभी वो कहता है कि 9 बजे मेरा भाई पानी डालने गया था, कभी बोल रहा है रात को 2 बजे पानी डालने गया था। इस तरीके से हमें उस पर संदेह पैदा हुआ। चूँकि वो 8 दिन पहले ही मजदूरी करके वापस लौटा था और आसपास के लोगों से हमें ये पता चला कि दोनों भाइयों में कुछ विवाद चला आ रहा था, इसी संदेह को लेकर हमने सोनू पिता केसु बंजारा को अरेस्ट किया और फिर उससे पूछताछ की गई। पहले तो उसने पुलिस को गुमराह किया और बाद में उसने फिर सख्ती से पूछताछ करने पर वो टूट गया और उसने फिर बता दिया मृत्यु हत्या का कारण यह रहा कि जो सोनू पिता केसु बंजारा है, उसका अपनी भाभी जो दिनेश पिता केसु बंजारा के पत्नी सुमित्रा बंजारा है, उसके साथ में अवैध संबंध थे, जिसके चलते उसने अपने भाई को रास्ते से हटाना उचित समझा और उसने हत्या का जो वारदात है उसको अंजाम दिया। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए पेटलावस से नीलेश सोनी की रिपोर्ट।